Hello students, so today we will be as you all know, we have been doing we have started your SST in the last week, and in the last week we have completed one chapter in history, and I hope you all enjoyed the chapter. In the last video I have discussed about your question answers also. Children, I told you that now as you have grown up, you are grown up children. Now you don't need to just go through the chapter, get word by word answer. So I am just giving you the guidelines how to complete, how to do your chapter, how to do your question answers, and I hope you will be completing your question answers. Today children, we are going to start civics. Actually children, we don't call it civics. You know why? There is a story behind it. Yes. I know you all like story, na? So I'm starting it with a story which says ki hum civics ko civics kyun nahi kehte hain. Actually what happens children, civics, we don't call it civics. We call it pol science. Now why? Because what happened during the time of the Britishers, when the Britishers were here, they introduced this subject called civics. And in civics they used to teach कल्चर, ट्रेडिशन, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, हाउ टू ईट विद द स्पून एंड फोक. आई मीन दे वॉन्टेड टू शो एंड दे वॉन्टेड टू प्रूव दैट इंडियन पीपल आर अनकल्चर्ड. बट डिड चिल्ड्रन, डू यू थिंक वी आर अनकल्चर्ड? नो, वी आर नॉट, वी आर वेरी कल्चर्ड. तो दे सेड कि द इंडियन पीपल दे आर अनसिविलाइज्ड, दैट्स वाई दे नीड टू अंडरस्टैंड द सिविक वेज एंड द सिविक कल्चर एंड ट्रेडिशंस, दैट्स वाई हम उनको सिविक्स सिखाएंगे. तो फॉर मेनी डेज इट वॉज सिविक्स, बट नाउ वी आर नॉट कॉलिंग इट एज सिविक्स, वी आर कॉलिंग इट एज पॉलिटिकल साइंस. ओके, सो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स व्हेन वी विल बी डूइंग दिस वी विल बी सेइंग, आई विल बी सेइंग कि चिल्ड्रन लेट्स कंप्लीट आवर पॉल साइंस चैप्टर. ओके, आई वॉन्ट से वी विल बी कंप्लीटिंग सिविक्स चैप्टर. सो नाउ हियर चिल्ड्रन, आई एम डिस्कसिंग द सिलेबस फॉर दिस ईयर. क्लास सेवेंथ में आपको पॉल साइंस में क्या क्या पढ़ना है, दैट इज़ वॉट. सो फर्स्ट चैप्टर, वॉट इज देयर? फर्स्ट चैप्टर इज ऑन इक्वालिटी. ओके, इक्वालिटी, यूनिट वन सेज इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. वेन वी से दैट वी आर इक्वल, हम इक्वालिटी को किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं चिल्ड्रन, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. सो दिस चैप्टर विल बी टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, फर्स्ट चैप्टर. Unit 2, we will be starting about second unit, which will be talking about state government. State government, aap kaun si state mein rehte ho? Yes, you are staying in Uttar Pradesh. So, Uttar Pradesh ke state mein government kaise function karti hai? What all work does the Uttar Pradesh government does? We will be talking about it. And kya kaam karti hai? What is the role of government in health? आई होप एंड विश एंड प्रे, मैं हमेशा प्रार्थना करूँगी बच्चों, आई विल ऑलवेज प्रे टू गॉड दैट यू नेवर हैव टू गो टू द हॉस्पिटल. कभी भी भगवान ना करे आपको हॉस्पिटल का मुँह देखने का ज़रूरत पड़े, बट इन केस इफ़ यू हैव टू टेक मेडिकल फैसिलिटीज़, तो गवर्नमेंट ने आपके लिए क्या क्या इंतज़ाम किया है. रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, वॉट ऑल हेल्थ फैसिलिटीज़ आर गिवन बाई गवर्नमेंट, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर. एंड थर्ड चैप्टर में वी विल बी डिस्कसिंग हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स. गॉट इट? सच अ बिग स्टेट, उत्तर प्रदेश इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, एंड इतना बड़ा स्टेट है कि सम कंट्रीज जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, बिग बिग कंट्रीज आर देयर. वो सारी कंट्रीज के कुछ बड़े बड़े जो स्टेट्स हैं, इट इज़ एज बिग एज उत्तर प्रदेश. बिलीव मी चिल्ड्रन, उत्तर प्रदेश इज एज बिग एज सम कंट्री. तो हाउ डज द गवर्नमेंट वर्क, मिनिस्टर्स कौन होते हैं, इलेक्शंस कैसे होता है, एवरीथिंग विल बी स्टडिंग. ओके, देन वी हैव यूनिट थ्री चिल्ड्रन. यूनिट थ्री वी विल बी टॉकिंग अबाउट जेंडर. जेंडर यू अंडरस्टैंड? यस. चैप्टर फोर क्लियरली टॉक्स अबाउट इट, ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स. ये जो जेंडर डिफरेंसेस हैं, इसमें लड़के का काम क्या है, लड़की का काम क्या है, दिस वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल. देन जेंडर में वी हैव टू टॉक अबाउट वन मोर थिंग, दैट इज विमेन चेंज द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में देयर आर सो मेनी विमेन देयर,
तो औरतों का क्या काम है, व्हाट डज द वर्क द विमेन डू, ये सारे ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल. सो विमेन चेंज द वर्ल्ड, हाउ डू द विमेन चेंज द वर्ल्ड, विल बी टॉकिंग अबाउट इट. यूनिट 4 चिल्ड्रन विल बी टॉकिंग अबाउट मीडिया. यू नो मीडिया, आप टीवी देखते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप नेट पे सो मेनी थिंग्स यू सी. इन टूडेज टाइम मीडिया इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. इट गिव्स यू ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया की जानकारी आपको अगर चाहिए तो यू मस्ट बी अवेयर एंड यू मस्ट नो हाउ डज द मीडिया वर्क. गॉट इट? सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट चिल्ड्रन इन यूनिट 4. टीवी के चैनल्स हैं, न्यू इंटरनेट चैनल्स आर देयर, मीन्स लॉट ऑफ न्यूज़ राउंड द क्लॉक जो आप तक पहुंच रहा है. व्हाट, हाउ इट इज़ रीचिंग यू, ठीक है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट. देन यूनिट 5 चिल्ड्रन वी विल बी टॉकिंग अबाउट मार्केट्स, हाउ डज द मार्केट्स फंक्शन. When you go and purchase the things in the market, how are the things reaching in the market? You must know about it. Retail market is there, wholesale market is there. ठेले वाला सब्जी लेके भी आपके घर के नीचे आता है, आपके घर के सामने में आता है, घर के बगल में ब्रेड की दूध की दुकान है, वो दुकानों का क्या फंक्शन है, वो सारा सामान कहाँ से लेके आते हैं. Very simple things are there that we'll be studying in this chapter, children. And then चैप्टर 8 चिल्ड्रन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. और शॉर्ट इन द मार्केट मीन्स अभी जो भी कपड़ा मार्केट में आ रहा है, यू नो द क्लोथ दैट यू आर वेयरिंग एंड द गुड्स दैट आर देयर इन द मार्केट, वॉट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनुफैक्चरिंग ऑफ दोज गुड्स, वो सारी चीज़ें कैसे मैनुफैक्चर होती हैं, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट चिल्ड्रन. ओके, सो पहले तो हम पढ़ेंगे कि मार्केट हमारे आसपास जो है, दुकानें कैसे लगती हैं और दुकानों का फंक्शनिंग क्या होता है. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मटेरियल्स दैट आर देयर इन द शॉप, जो शॉप में मटेरियल है. हम एग्जांपल वी विल बी टेकिंग शर्ट, मतलब वो शर्ट का आप यहाँ से हम शुरू करेंगे कि कॉटन कहाँ से आया, उसका धागा कैसे बना, विच इंडस्ट्री इट हैज़ गॉन, फिर उसका कपड़ा बना, फिर कपड़े को काट के शर्ट बना, सिलाई कहाँ पे हुई, धुलाई कहाँ पे हुई, रंगाई कहाँ पे हुई, एवरीथिंग विल बी टॉकिंग इन दिस चैप्टर. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर चिल्ड्रन, यू विल एंजॉय इट. देन इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है चिल्ड्रन, अभी दैट वी विल बी स्टार्टिंग द सेम थिंग वी विल बी स्टार्टिंग इन द 9th चैप्टर, स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी. ओके चिल्ड्रन, so these are 9 chapters that you have to do in this book. So we start with the first chapter children, equality in Indian democracy. Are we equal? बेटे क्या हम equal हैं? Do you think we are practicing equality? How do we practice equality? इक्वल होने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखना पड़ता है. एंड हम वी व्हेन वी टॉक अबाउट इक्वालिटी वी हैव टू सी दैट इक्वालिटी ऑन एट ऑल लेवल्स. हमको खाली अपनी इक्वालिटी के बारे में स्ट्रगल नहीं करना है, वी हैव टू थिंक अबाउट इक्वालिटी इन जनरल. सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट दैट, दिस यू डोंट नीड टू डू. यहाँ पे जस्ट सी It is mentioned here. Sorry. Just see some pictures are here, children. Can you see these pictures? Who all are there? एक तो teacher है, मेरे जैसी लग रही है ना ये. She looks like me. What is her name? Manjeet Kaur. Then Teja Singh. Who is he? He is a trader. Then we talk about Girish Rao. Who is Girish Rao? He is a student. Then we talk about कांता देवी. कांता देवी घर में काम करने वाली जो मेड्स होती हैं वो है. एंड देन वी टॉक अबाउट सुजाता कुमारी हु इज़ अ डोमेस्टिक वर्कर, मतलब वो भी घर पे काम करने वाली जो लेडी होती है. फिर क्या हुआ, हियर वन वेरी नाइस, आप यू लाइक स्टडिंग, यू लाइक द कॉमिक बुक्स ना. सो कॉमिक बुक्स में जिस तरह से पिक्चर्स के साथ डायलॉग्स दिए हुए होते हैं, इन द सेम वे सम डायलॉग्स आर मेंशन्ड हियर.
इसको हम कहानी की तरह, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी. एक बार क्या हुआ, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी सो दैट इट बिकम्स मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग. इलेक्शन डे व्हाट हैपेंड, कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स. तो लाइन लगानी पड़ती है ना व्हेन यू गो फॉर वोटिंग. अभी तो चिल्ड्रन यू आर वेरी स्मॉल, अभी तो यू आर वेरी यंग ना, छोटे बच्चे हैं. जब आप 18 साल के हो जाएंगे देन यू विल बी गेटिंग द राइट टू वोट. वोटिंग राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. पीपल हु गेट द राइट टू वोट दे आर रियली प्रिविलेज्ड वन एंड दे प्रैक्टिस ऑल देयर वेज एंड मीन्स फॉर कास्टिंग द वोट. तो हियर दे आर वेटिंग इन अ लाइन टू कास्ट देयर वोट. कौन कौन है, कांता एंड सुजाता. कांता एंड सुजाता जो है आपस में बातें कर रही हैं. क्या बातें कर रही हैं, इजंट इट गुड सुजा, मतलब शी इज कॉलिंग हर होम नेम, स्मॉल फॉर्म ऑफ हर नेम सुजा, दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री. इवन जैन साहिब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विथ अस. यस मीन्स इसमें व्हेन यू गो फॉर वोट देयर आर नो सेपरेट लाइन्स दैट हु इज अ वर्कर, हु इज अ ओनर, हु इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट. पैसे वाले, अमीर, गरीब, सब लोग एक लाइन में खड़े होके वोट कर रहे हैं. कांता इज फीलिंग हैप्पी फॉर दैट. सो कांता टोल्ड सुजाता, आई एम सो हैप्पी कि दैट जैन साहब, जैन साहब इज अ माइट बी एन ओनर, माइट बी एन इंडस्ट्रियलिस्ट या बहुत पैसे वाले होंगे. ही इज ऑल्सो स्टैंडिंग इन द सेम लाइन वेयर कांता एंड सुजाता आर स्टैंडिंग. ओके नेक्स्ट टर्न, कांता का टर्न आ जाता है वोट करने का. गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ. नाउ शी इज सेइंग, सुजाता सेज जाओ कांता वोट करने के लिए जाओ. आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया. शी सेज कि मैं तो उसी को वोट करूंगी जो कि पानी प्रॉमिस दैट ही विल बी ब्रिंगिंग, बिकॉज यू नो वाटर इज वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ द ह्यूमन बींग्स. हाँ, पानी के बिना आप नहीं सोच सकते ना बेटे. एक दिन अगर पानी नहीं आता है हाँ क्या हो जाती है हालत. इफ़ यू सम ऑफ यू माइट हैव विटनेस्ड, अगर किसी को पता हो तो, गॉड फॉरबिड ऐसा नहीं होना चाहिए, बट इन केस वाटर इज नॉट देयर यू विल अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू हैव वाटर. शी इज सेइंग कि आई विल वोट फॉर द पर्सन हु विल बी ब्रिंगिंग वाटर फॉर मी. ओके देन दूसरी लाइन में कौन लगा हुआ है, जस्सी. Another line is there. Abdul Rahman, he is an artisan. Artisan means जो बुनकर होते हैं, साड़ी का काम करते हैं, बर्तन बनाने का काम करते हैं, मतलब artist. Artist word से artisan बना है. Then next there is Shabnam Banu. She is a housewife. She is a consultant. Isaac Laleng, government officer. Ruksana Mirza, she is a media person. योग राज इज अनएम्प्लॉयड एंड अशोक जैन इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट. जस्ट सी अभी अभी कांता भाई ने क्या किया था, कांता द वर्कर शी से ना अभी वी वर डिस्कसिंग कि जैन साहब कौन है, हु इज जैन साहब. सो अशोक जैन इज अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट. इंडस्ट्रियलिस्ट है तो ऑब्वियसली उनके पास बहुत पैसा होगा. बट जस्ट सी दे ऑल आर स्टैंडिंग इन द सेम लाइन. कैन यू सी चिल्ड्रन, जस्ट सेम लाइन ऑल ऑफ देम आर स्टैंडिंग. मीन्स सो वी विल सी यू लेटर कांता, यस नमस्ते साहब. ये सब लोग वोट करके चले जाते हैं. नाउ शी इज सेइंग गुड़िया हैज बीन रनिंग, मतलब इसकी बेटी को बीमार हो गई है. गुड़िया हैज बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस. शी सेज कि मेरी बेटी की तबीयत खराब है एंड लेकिन काम तो करने जाना है. आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल ऑल्सो एंड वहाँ पे उसका इलाज भी करवाना है. और ऑब्वियसली हॉस्पिटल जाएंगे तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी. सो मनी इज़ नीडेड, साहब से थोड़े पैसे ले लूँगी. तो घर जब वो वापस आती है तो वो अपनी बेटी को थोड़ा चाय दे रही है. शी इज़ सेइंग ये थोड़ा सा पी लो, आपको तुमको बेटा अच्छा लगेगा, यू विल फील बेटर एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल. अभी बेचारी शी हैज़ टू गो फॉर वर्क. लुक एट द कंडीशन ऑफ कांता, बेटी बीमार है,
बट शी हैज़ टू वर्क. दैट इज़ हाउ द पुअर पीपल लिव बेटा. दैट इज़ देयर लिविंग कंडीशंस. नो बडी कैन है वो उसी कंडीशन में दे आर बॉर्न. सो दे हैव टू स्ट्रगल अ लॉट. नाउ शी इज सेइंग मनी मन वो सोच रही है जस्ट सी चिल्ड्रन व्हेन यू नो द सब होता है दैट शी इज थिंकिंग. जस्ट सी यहाँ पे क्या है कि शी इज सेइंग तो ये ऐसा एरो बना है बट व्हेन डॉट्स आर देयर दैट मीन शी इज थिंकिंग. इट इज नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन द बस्ती इज नेवर क्लीन. अब वो कह रही है कि गुड़िया अक्सर बीमार पड़ जाती है बिकॉज वेयर दे आर लिविंग जहाँ वो रह रहे हैं दैट एरिया इज वेरी डर्टी. चिल्ड्रन आस पास अगर आपका सराउंडिंग्स क्लीन नहीं है देन इट इज़ रियली पॉसिबल कि जो भी है आपके आस पास whosoever is staying nearby will fall ill. Now, लोग क्या करते हैं द प्लेस वेयर शी इज वर्क पे पीपल आर सेइंग मेक श्योर दैट द कॉर्नर यू डू द कॉर्नर मतलब कोना कोना साफ करना है. यू अंडरस्टैंड कॉर्नर ना पीपल से कि वो कोने में से भी आपने साफ नहीं किया वहाँ से भी कूड़ा निकालो. सो दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर हाउस क्लीनिंग. लेकिन जहाँ पे जिस बस्ती में ये लोग रह रहे हैं वहाँ पे इट इज़ वेरी डर्टी. ओके नाउ चिल्ड्रन सम इंसिडेंट्स हैव बीन गिवन हियर. आप ये सारी चीज़ें हम देखते हैं एंड देन सम मोर डायलॉग आगे. कांता फिर जाती है बोलती है अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना है. सो द मालकिन इज़ गिविंग द मनी टू द लेडी जहाँ पे वो काम करती है. शी इज़ गिविंग मनी. हियर्स योर एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट. कि कांता तुमने पैसे मांगे हैं आई एम गिविंग यू द मनी लेकिन हमेशा मत लेना पैसे बिकॉज वॉट हैपन्स यू आर टेकिंग अ सैलरी. सैलरी कब मिलती है? सैलरी यू गेट एट द एंड ऑफ द मंथ. बट दीज पीपल हु आर वर्किंग दे आर वेरी पुअर और बीच बीच में उनको इनको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है. सो दे कम दे गो टू देयर ओनर्स हाउस जहाँ पे वो काम कर रहे हैं और उनसे अक्सर पैसे लेते रहते हैं. सो द लेडी इज सेइंग कि कांता डोंट मेक इट अ हैबिट कि हमेशा तुम्हें पैसे चाहिए. अभी कांता क्या बताएगी कि उसकी बेटी बहुत बीमार है दैट्स वाई. नाउ शी हैज टेकन हर डॉटर टू द हॉस्पिटल एंड जस्ट सी आप बेटा इसको देखोगे तो आप करोगे यू विल अंडरस्टैंड. जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी कि बेटा थोड़ा सा और रुको. जेन मैडम एंड जेन साहब मे स्टैंड इन लाइन टू वोट बट दे नेवर डू इट वेन देयर चिल्ड्रन आर सिक. अभी देखो इक्वालिटी का सेंस यहाँ पलट गया. वोटिंग करने गए तो सारे लोग एक ही लाइन में लगे हुए थे. रिमेंबर इन द वोटिंग लाइन जेन साहब पीछे थे एंड कांता वेयर एंड दीज बोथ वर्किंग लेडीज वेयर इन फ्रंट स्टैंडिंग इन लाइन इन फ्रंट. लेकिन यहाँ पे क्या है कि जेन साहब जब मेडिकल फैसिलिटी की बात आई तो जेन साहब आगे आ गए और ये पीछे खड़ी हुई है. तो अभी देखो जस्ट सी वन क्वेश्चन इज गिवन हियर चिल्ड्रन वी नीड टू थिंक अबाउट इट. डू यू थिंक कांता हैज एनफ रीजन टू डाउट वेदर शी रियली इज इक्वल. वोटिंग वाली लाइन में इक्वालिटी थी लेकिन मेडिकल वाले लाइन में इक्वालिटी नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चिल्ड्रन वेदर शी रियली इज इक्वल. लिस्ट थ्री रीजंस फ्रॉम द स्टोरी अबव दैट माइट मेक हर फील लाइक दिस. कहाँ कहाँ पे इक्वालिटी नहीं है. गॉट इट. अभी ये जो हम लोगों ने स्टोरी किया है यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दिस स्टोरी एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेयर इक्वालिटी इज प्रैक्टिस्ड एंड वेयर इक्वालिटी इज नॉट प्रैक्टिस्ड. ओके चिल्ड्रन. सो this was one of the activities that you will have to do. Now we are starting with the chapter children. The chapter is equality chapter. Now just see India is a democracy. आप class 6 के book में आप ये पढ़ चुके हो. We looked at the key elements of a government, of a democratic government. इसमें क्या है? People's participation is there. So students, people's participation is there. Conflict होता है. इतने सारे लोग जब एक ही जगह रहते हैं तो resolution of conflict has to be there. Equality, justice. तो equality क्या है? What is equality? Try to understand. ये देखो children, we are discussing about it here.
इक्वालिटी इज़ अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग. मतलब अगर आप डेमोक्रेसी में रह रहे हो, सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इज इक्वालिटी. हाउ डू वी प्रैक्टिस इक्वालिटी एंड वॉट ऑल पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल प्रैक्टिसिंग इक्वालिटी, बिकॉज डेमोक्रेटिक सिस्टम में इक्वालिटी इज रियली नीडेड. एवरीबडी इज इक्वल इन इंडिया. अभी हम कामता की स्टोरी जो है हमने जस्ट नाउ वी हैव सीन, यू ऑल हैव आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द स्टोरी ऑफ कामता चिल्ड्रन. तो आप ये कामता की स्टोरी को समझो. कामता की स्टोरी का जो मेन पॉइंट था बच्चों, द मेन थिंग दैट वॉज देयर इन कामता स्टोरी वॉज दैट कि फॉर वोटिंग, वेन शी हैड गॉन फॉर वोटिंग, वहाँ पे तो इक्वालिटी थी, लेकिन जब मेडिकल की लाइन में लगी तो वहाँ पे इक्वालिटी नहीं थी. वहाँ पे जैन साहब, जैन मैडम जो हैं वो पहले आ गए थे और बाकी के लोग जो है वो, मतलब कांता जैसे लोग जो गरीब लोग थे वो पीछे थे. नाउ यहाँ पे आप देखो दैट स्टोरी बिगिंस विद कांता स्टैंडिंग इन द लाइन टू कास्ट हर वोट. अभी हर एक तरीके के लोगों को देखो, लुक अगेन एट वेरियस पीपल, दोज हु आर स्टैंड लाइन विद हर, जो लोग वहाँ लाइन में खड़े हैं उन सारे लोगों के बारे में इफ यू विल सी तो यू विल अंडरस्टैंड. कांता देखती है कि उसके जो एम्प्लॉयर हैं अशोक जैन एंड छोटेलाल, मतलब जैन साहब के वो काम करती है ना, शी वर्क्स एट जैन साहब हाउस, हर नेबर. अभी डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री चिल्ड्रन, यू ऑल नो इट वेरी वेल. ऑल एडल्ट, जितने भी लोग हैं, ऑल द एडल्ट पीपल, वॉट एवर रिलीजन दे बिलोंग टू, कितने एजुकेटेड हैं, वॉट कास्ट दे बिलोंग टू, दे आर रिच और पुअर, एवरीबडी इज वोटिंग. ठीक है, दिस वॉज वेरी क्लियर टू यू. ओके चिल्ड्रन, नाउ क्लास सिक्स में आपने पढ़ा है, यू माइट बी अवेयर ऑफ दिस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. वॉट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज चिल्ड्रन? यू ऑल नो इट वेरी वेल, बट स्टिल टू मेक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग इज गिवन हियर. Let us look at that meaning that is given here at the back of your chapter. But I am explaining it to you so that you can easily understand what is universal adult franchise. It is that everybody has got the right to vote, irrespective of their caste and creed. Caste में फर्क नहीं पड़ता है, voting rights सारे लोगों को मिले हुए हैं. Above the age of 18 years से below को आप voting rights नहीं हैं. अबव द एज ऑफ 18, जब आप 18 ईयर्स के हो जाते हैं, देन यू गेट दिस राइट टू वोट. एंड एवरी डेमोक्रेसी दिस इज प्रैक्टिस्ड. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड मेनली, उसको क्यों किया गया है, वाई इट हैज बीन गिवन, आइडिया ऑफ इक्वालिटी. बिकॉज एवरी एडल्ट इन द कंट्री, irrespective of their wealth, communities, they have all got one vote. Kanta is very excited to vote and happy that she is equal to all of others. Voting rights mila wahan pe nahi ki we are also standing. She was talking to her friend Kanta that hum bhi yahan pe khade hain and Jain sahab is also standing here. So everybody has got the equal right to vote and she was very happy for that. लेकिन वहाँ पे शी सॉ इक्वालिटी, बट एवरीवेयर इक्वालिटी वॉज नॉट देयर. जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, कांता बिकम्स लेस सर्टेन कि आर वी रियली इक्वल, बिकॉज वाई शी इज फीलिंग दैट इक्वालिटी खाली नाम के लिए इक्वालिटी है, इन प्रैक्टिस इक्वालिटी इज नॉट देयर. नाउ कांता को ऐसा क्यों लगा कि वी आर नॉट इक्वल? वॉट आर द मेजर पॉइंट्स वेयर कांता वॉज फीलिंग दैट अनइक्वालिटी इज देयर, इक्वालिटी इज नॉट देयर? बिकॉज हमने क्या देखा था बेटा, वी सॉ दैट हर डॉटर इज सिक बट शी कैनॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क. पहला तो वो काम से उसको छुट्टी नहीं मिली, एंड जब उसको पैसे लेने हैं उनके एम्प्लॉयर से, अपने चाइल्ड को डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो हेल्प माने कि द
वर्क दैट शी इज़ डूइंग एट होम उससे वो थक जाती है. अगेन शी हैज़ टू स्टैंड इन अ लॉन्ग लाइन. दिन भर काम करती है, शाम को फिर अपने बच्ची को लेकर हॉस्पिटल जाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल. मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्टैंडिंग इन इट आर पुअर. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वॉट हैपन्स चिल्ड्रन, दैट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स डेफिनेटली फैसिलिटीज आर देयर, बट स्टिल द पुअर पीपल डू नॉट गेट अ फेयर चांस. चांस की क्या बात है बेटे, अगर एनीबडी इज़ नॉट फीलिंग वेल देन दे हैव टू सी दैट द थिंग्स आर प्रैक्टिस्ड इन अ प्रॉपर मैनर. एक तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द केस ऑफ कांता. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी. लेट्स सी व्हाट आर दीज अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी. सो अभी व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्वालिटी. अ पर्सन हू लिव्स इन डेमोक्रेटिक इंडिया एंड शी हैज़ द राइट टू वोट, लेकिन डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस जो है वो बहुत बुरा है. यू कैन सी द पीपल हु फॉर होम शी इज़ वर्किंग दे आर ऑल्सो वेरी अनकंसिडरेट. उसकी बच्ची की तबीयत ख़राब है, पैसे मांगे हैं, बट द लेडी जहाँ पे वो काम कर रही है वो उसको पैसे तो दे रही है लेकिन बातें सुना के दे रही हैं. हमेशा पैसे मांगती हो, एवरी टाइम डोंट आस्क फॉर मनी. ओके, तो ये जो टू स्टोरीज आर गिवन देयर, अभी नीचे में हम और देखेंगे. ईच ऑफ दिस इज़ बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट. ठीक है, रियलिटी में ऐसा हुआ है इन पीपल्स लाइफ एंड रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट इन इंडिया. इनइक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो इंडिया में कितने तरीके की इनइक्वालिटी है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. इनइक्वालिटी का वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स, मेजर वेज ऑफ इनइक्वालिटी इज ऑल्सो देयर. कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इज द कास्ट सिस्टम. आई होप यू ऑल नो अबाउट द कास्ट सिस्टम. यू नो द डिफरेंट कास्ट दैट एग्जिस्ट इन इंडिया. देयर आर high class castes and there are the low caste people. So you have experienced very young that if you are living in urban India, means agar shaharon mein aap reh rahe hain, to aap, some of you might think that people, bade shaharon mein to log ab caste ko nahi believe karte bachcho. Children in the big cities, people don't believe in caste. But in small, in the other cities, जो छोटे मोटे शहर हैं वहाँ पर छोटे मोटे गाँव हैं वहाँ बहुत ज़्यादा caste system still follows. And एक leading newspaper cutout is here. How important this issue is, caste continues. अभी highly educated urban Indians are there. वो caste system को किस तरह से मानते हैं, we will be talking about it. Okay, just see children, let's see some cutouts. Paper ka hai beta, paper cutouts are there. Alliance invited for मतलब इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं ना, जब वो नहीं मैट्रिमोनियल्स जो होते हैं, या कि वधु वर चाहिए, वधु चाहिए, तो फेयर ब्यूटिफुल गर्ल इज invited, मतलब कि बॉय नीड्स अ गर्ल. वर्किंग इन मुंबई अब्रॉड फ्रॉम आईटी इंडस्ट्री, कास्ट नो बार, मतलब कि अच्छी सी बच्ची, अच्छी लड़की होनी चाहिए, लड़का होना चाहिए, आई एम सॉरी. ओके, सो कास्ट इज नो बार. नाउ क्वालिफाइड ब्यूटिफुल टॉल गर्ल फॉर गुप्ता बॉय, जस्ट सी को कास्ट को कितना फॉलो कर रहे हैं. यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि गुप्ता है लड़का, उसको उसे लड़की चाहिए. अब देखो दूसरा कास्ट सिस्टम का, तमिल ब्राह्मण बॉय, ब्राह्मण. यहाँ पे देखो ब्राह्मण को उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है कि लड़की चाहिए, अब ब्राह्मण चाहिए. 1981 बॉर्न. तो नैथरूबा कश्यप गोथ्रम, स्वाथी स्टार, 150 सेंटीमीटर्स टॉल एंड फेयर. मतलब यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है कि हाउ मच इन इंडिया पीपल आर ऑब्सेस्ड विद द कास्ट सिस्टम. गॉट इट? तो दिस इज व्हाट कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इज द कास्ट सिस्टम. आप रूरल इंडिया में रह रहे हैं तो आपको ये पता चलेगा, अर्बन इंडिया में रह रहे हैं तो
यू विल फील दैट पीपल डोंट बिलीव इन कास्ट. लेकिन ये एडवर्टीजमेंट से प्रूव हो गया, जितने एडवर्टीजमेंट अभी हमने इधर पढ़े हैं चिल्ड्रन, इट इज़ वेरी वेल प्रूव्ड दैट कास्ट सिस्टम इज प्रैक्टिस्ड वेरी प्रॉपरली, इज़न्ट इट. तो अभी यहाँ पे टू स्टोरीज आर गिवन हियर. नाउ लेट्स रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल. वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन वॉट एवर वी हैव डन टिल नाउ ऑन इक्वालिटी प्लीज गो थ्रू दैट. एंड इन केस यू हैव एनी डाउट्स वी विल बी हैविंग ऑनलाइन सेशन, यू कैन एनी टाइम डिस्कस इट विथ मी. थैंक यू चिल्ड्रन.